हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं सैमसंग कंपनी के 244 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। और इस फ्रिज में प्रोवाइड किया गया है कर्ड मेकिंग फीचर। सो इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस फ्रिज के बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स। इस फ्रिज का कलर है ल्यूक्स पर्पल एंड इसका मॉडल है RT28T3522RU। फ्रिज की डायमेंशंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और इसका नेट वेट है 46 kg का। 220 to 240 volts इज रिक्वायर्ड टू रन दिस फ्रिज। और इस फ्रिज की MRP है 30,990 rupees। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर एक 2-स्टार रेफ्रिजरेटर है एंड 1 ईयर में अप्रॉक्स 242 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। एंड इसकी अदर डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। इस फ्रिज में प्रोवाइड किया गया है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड इस रेफ्रिजरेटर पे हमें मिलती है 1 ईयर की वारंटी एंड इसके कंप्रेसर पे मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। आप इस फ्रिज को होम इन्वर्टर से कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। एंड ये फ्रिज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड करती है अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिजिटल डिस्प्ले को जिसके ऊपर लिखा है नो फ्रॉस्ट एंड दी गई है इसमें कुछ सेटिंग्स। फ्रिज की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 डिग्री से लेके 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एंड कर्ड कट ऑफ टाइमिंग भी दिया गया है 3 सेकेंड्स का। कर्ड की सेटिंग दी गई है सॉफ्ट थिक एंड सर्विस। तो जब कर्ड इसमें जम जाए और जब रेडी हो जाए तो सर्विस पे सिलेक्ट करके आप कर्ड को सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप इसे परचेज़ कर लें कंपनी में अपने रेफ्रिजरेटर के लिए डेमोस्ट्रेशन कॉल लॉगिन कर लें। कंपनी के इंजीनियर आपके घर पे आके कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, आइए अब इस फ्रिज की डिटेल्स को जानने के बाद इसे सारी साइड से क्लोजली देख लेते हैं। और ये इस फ्रिज की बैक साइड जो आपको कम्प्लीटली पैक्ड दिख रही होगी। एंड सबसे नीचे दिखता है हमें इस फ्रिज का कंप्रेसर यूनिट।
तो फ्रेंड्स आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी इनसाइड व्यू को। फ्रेंड्स ये इस फ्रिज को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। और फ्रिज की पहली डोर फ्रीजर डोर है एंड इसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमें एक शेल्फ दिखती है। शेल्फ को कुछ इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया एक आइस बॉक्स और इसे नाम दिया गया मूवेबल आइस मेकर। इस बॉक्स में आइस कलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर जो आइस ट्रे दी गई इसमें वाटर फिल करनी पड़ेगी और आइस प्रिपेयर होने के बाद हमें रोटेट करके आइस को मूवेबल आइस मेकर ट्रे में कलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप आइस को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीजर सेक्शन में टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए एक स्विच दिया गया है। कुछ इस तरह से आप इसे मूव करके इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ऑप्टिमल आप देख सकते हैं सेंटर में ऑप्टिमल की सेटिंग दी गई है। मिनिमम एंड मैक्स दो सेटिंग प्रोवाइड की गई है और सारी डिटेल्स के लिए एक स्टिकर प्रोवाइड किया गया है डोर साइड में। और फ्रीजर की डोर साइड में हम देख सकते हैं दो रैक प्रोवाइड की गई है और ये सारी रैक्स डिटैचेबल होती है। और ये है टेम्परेचर सेटिंग रिकमेंडेशन फ्रीजर सेक्शन के लिए और यहाँ पे बताया गया कि कौन से सीज़न में किस तरह की टेम्परेचर को सेट करके रखनी है। और उसके बाद देख सकते हैं आप फ्रिज सेक्शन में भी मल्टीपल सेल्फ्स दिए गए हैं। ये सारी सेल्फ्स ग्लास मटेरियल की बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ड मैस्ट्रो बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जो कि मोस्ट अमेजिंग फीचर है सैमसंग कंपनी की तरफ से। फर्स्ट टाइम किसी फ्रिज में कर्ड मैस्ट्रो फीचर प्रोवाइड किया गया है। इस बॉक्स को कुछ इस तरह से पुल करके बाहर निकाला जा सकता है और इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की। आपको मिल्क यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और ये इस फ्रिज का बिग बॉक्स जो कि है वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स और इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। और इस बिग बॉक्स में हम लोग रखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी दिख रही है। और बिग बॉक्स के ऊपर भी हम एक शेल्फ देख सकते हैं और ये शेल्फ भी ग्लास मटेरियल की बनी हुई है। और यहाँ पे हम कुछ एयर वेंट्स भी देख सकते हैं एयर फ्लो के लिए। और ये इस फ्रिज की डोर साइड और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है मल्टीपल रैक्स। पहली वाली रैक को नाम दिया गया है टॉल बॉटल गार्ड।
जिसके अंदर आप रख सकते हैं बड़ी बॉटल्स, और सारी रैक्स डिटैचेबल होती है। और उसके बाद देख सकते हैं आप दो छोटी रैक प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद हमें एक और रैक दिखती है जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और ये इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर, इसमें प्रोवाइड की गई है हर वो डिटेल्स जो रिक्वायर है इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने से पहले। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, यह आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की सारी डिटेल्स को जानने में और इसे कैसे ऑपरेट करना है। सो ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस यूज़र मैनुअल। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, और वारंटी पेपर पे आप सारी डिटेल्स फिल करवा लें जिस भी रिटेल आउटलेट से इसे परचेज़ करें। यह आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। तो फ्रेंड्स, ये थी सैमसंग कंपनी के 244 लीटर्स 2-स्टार कर्ड मैस्ट्रो रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल्स, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।